नमस्ते जी, सबको क्या हाल चाल है? आई होप सारे बहुत बढ़िया हो गए। तो बैग्स वगैरह देख के और बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कहीं बाहर हैं। गेस वर्क ये है कि वो साइन से पता करो कि हम कहाँ हैं, पता चल जाना चाहिए। साइन से पहले यहीं से पता चल गया, पीछे रामदेव बाबा जी की फोटो है। चलो तो अपन आए हैं पतंजलि वेलनेस केयर सेंटर पे। पूरा पापा की यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह भी थी रामदेव बाबा जी से, तो हमने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस करें। दीदी मैं और पापा आए हुए हैं, सारा टूर कराते हैं। हमारे को हॉस्टल अलॉट हुआ है कश्यप टू। यहाँ विश्वामित्रा जितने भी क्या ऋषि मुनि है ना, उनके नाम पे ये सारे अलग अलग हॉस्टल्स हैं। हमारा है कश्यप। तो चलो सीधा चलते हैं रूम के अंदर और दिखाते हैं हमारा हॉस्टल कैसा है। हाँ, हम बोल रहे थे ना हमारा कश्यप है, तो ये वाला ब्लॉक हमारा है। अंदर दिखाते हैं, सारा अंधेरा अंधेरा है अभी। ये पापा कह रहे मेरी भी वीडियो बना दो, पापा ऊपर चले गए पहले। ये हम पहुंचे हैं अपने वाले ब्लॉक में, फ्लोर पे। हमारा रूम नंबर क्या है? नी 2। वो रे पापा चाबियां लेके खड़े ऑलरेडी। ये भी ले सकते हो, आ जाओ पापा का दिखा दो। 2107 रूम्स तो अच्छे ही हैं। ये रहा 2 बेड, एसी भी लगा हुआ है, सोफा भी है, फ्रिज भी है, टीवी, कैटल, शीशा, अलमारी, सब कुछ ही है। और बालकनी भी है ऑब्वियसली। थोड़ी सी बालकनी भी है, कुछ कपड़े कुपड़े सुखाने हैं अगर। और वॉशरूम देख लेते हैं। खाने का यानी होटल में आए हो क्या? ओहो, वॉशरूम भी अच्छा है भाई। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, देखते हैं खाने में मिलेगा क्या। आगे पहुंच के लिए पर खाना खाने का। ये रही जगह खाना खाने की, प्रसादम। रहा बोर्ड और यहाँ पे सारा मेन्यू लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ का डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हमको अपना खाना सर्व होता है, एंड बहुत नीट एंड क्लीन है। टेबल चेयर्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं, अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल टेबल चेयर्स हैं, खुला स्पेशियस है। रंग ने चावल में आलू पीस पीस के खाए हैं। यानी बैंगन भी खाओ ना, ये बिहारी डिश बन जाती है ना तो खा लेते हैं, उसमें पानी होता है, लिक्विड होता है। जैसे तुम्हारा दोस्त दीपक खाता है, दीपक की भिंडी भी पानी वाली होती है। मेन्यू चेक कर रहा है, उसमें राजमा वाली दाल थी आज, बट क्योंकि हम लेट हैं, चांच भी थी क्योंकि हम लेट हैं, तो हमें ये खाना पड़ रहा है। भाई मैं तो लग रहा हूँ सोने एक घंटे के लिए, अभी ब्रेक आया है एंड इसके बाद हमने जाना है गंगा आरती की तरफ, गंगा मैया के पास, एंड देन बाकी का टाइम दिखाते हैं। ये शाम हो गई है और हम लोग ड्राइव पे निकल गए हैं। ड्राइव तो क्या, हरकी पौड़ी जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे गंगा आरती देखनी है। तो अब हम कैंपस से घूम के निकलेंगे बाहर। ये ना हमारा सर हॉस्टल एरिया ही है, मतलब क्या बोलते हैं सर रहने वाली जगह को। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसी जैसे सोसाइटीज नहीं होती कोई अच्छी सी, वैसी सोसाइटीज सी लग रही है। मेरा वो वाला कमरा मेरा है, मुझे पता है, मैंने मुझे पता है ना क्योंकि मैंने वहां से यहाँ का व्यू देखा था। ठीक है, बिना बात के लंबा घुमा दिया आपने, वहीं पहुंचे हैं घूमने। ये देखो, ये बच्चा भी अपने इलाज कराने आया है। शेड यहीं पे हमने खाना खाया था। हाँ, पहुंच गए हम सही जगह पे। प्रसादम का मतलब है डाइनिंग एरिया। नहीं, तू पागल है, प्रसादम का क्या मतलब होता है? खाने की जगह है ना इसका मतलब है। वो प्रसादम का मतलब खाने की जगह है भाई। अनी मैं सही कह रही हूँ, IAS बनने का मतलब ये तो ना है कि सब पता हो जाए। अनी धीरे कर ले आवाज।
दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है उसके बिल्कुल पास में ही वो है अपनी हर की बॉडी। एक और रास्ता था, जो भी बंदा कभी आए ना सीधा इसी पार्किंग में आना वरना घूम घूम जाओ। हाँ नहीं तो फिर 1 किलोमीटर पैदल चल रहा पड़ रहा था दूसरे गली रगा से, तो पहुँचते हैं आओ जी गंगा मैया से मेल कराया जाए। ओ री हमारी ये भाई साहब फ्लो तो अच्छा खासा है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया फ्लो फ्लो छोड़ो हवा ही कुछ अलग लग रही है यहाँ की। तो चलो भाई अपनी सीट मिल गई है, सबसे आगे बैठ गए, यहीं पे आरती होनी है। जय माँ गंगे। तो भाई पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा है यार, तो ज्यादा ही ठंडा नहीं है। हरे हरे गंगे आरती स्टार्ट हो गई है, पीछे से बजनी शुरू हो गई है। ना भाई इस मंदिर के आगे खड़ना पड़ेगा, हम वहाँ खड़े हुए थे पीछे। चलो जी गंगा जल ले चले, घर से ऑर्डर आए हुए हैं लेके आना। ये ऐसे लगती है अपनी गंगा माता रात में। यार एक चीज़ ना मेरे को थोड़ा सा मुझे लगा कि बाद में रियलाइज़ हुई कि जैसे अगर अभी आप देख भी पाओगे तो गंगा माता इज़ नॉट दैट क्लीन, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाला नहीं हो रखा। भले हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जैसे हम पढ़ते हैं राइट, नमामे गंगा हो गया कुछ हो गया कि हम साफ़ करना चाहते हैं रिजुविनेट करना चाहते हैं, पर नहीं हो पा रहा। तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं भले ही श्रद्धा भाव कह लो या कुछ कह लो कि मैंने भी वो क्या कहते हैं दूध अर्पण कराया फिर दिया जलाया तो नहीं करना चाहिए था, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ। तो मैं कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ, बिकॉज़ यार श्रद्धा तो अंदर से होती है राइट, इट्स नॉट नेसेसरी कि ज़रूरी है ऐसे करना या कुछ। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि बहुत लोग मतलब धर्म के नाम पे भी पैसा हटने के चक्कर में होंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी येस लेट्स वर्क टूवर्ड्स मेकिंग आर गंगा क्लीन एंड जय गंगा माँ। लुक एट द व्यू, यहाँ से इतना अच्छा लग रहा है ना, अनी भी पूरा फीलिंग ले रहा है, कैसा लग रहा है नी यहाँ से? अभी तक का बेस्ट फीलिंग लगी। हाँ सही बात है, आके बस जाओ मत, एक्सपीरियंस को इन्जॉय भी करो फील भी करो। हमारे पहाड़ वाली मिठाई है अपने बर्बाद की, चॉकलेट जैसा टेस्ट है, मतलब चॉकलेट नहीं अच्छे वाला कुछ टेस्ट। हाँ पर थोड़ी सी अलग है टेस्ट में, पर मोर और लेस सेम है। क्या हो रहा है नहीं इधर रगे से, कैसा है खाना? पहले तो ये सिंगापुरी नूडल्स हैं एज पर इनकी इंफॉर्मेशन, ये मैगी लग रही है और टेस्ट देखते हैं। बहुत बुरे हैं। बहुत ज्यादा बुरे हैं। बहुत ही बुरे हैं। तब आप खिलाओगे ये हमें? बहुत गंदा है। खाओगे नहीं आओ? तो लिया क्यों था? चलो भाई मैं भी ट्राई करूँ। पिज्जा तो ठीक लगा दी थी, मैं तो इतने ऐसे नूडल नूडल नहीं खाए। इतने बुरे कभी नहीं खाए, मैगी और नूडल ऐसी चीज है जो जिसको कुछ नहीं आता बनाना वो भी ठीक बना सकते हैं, बट मुझे उल्टी आ गई, इतने बुरे थे, इसको नहीं आई, ये कह रहा मैं तो खा सकता हूँ। भाई हमने खाए नहीं ऐसे हाई फाई चीजें, हम सिंपल बंदे हैं सिंपल खाते हैं। ये तो पिज्जा तो चलो हर कोई खाता है, ये तो बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दीदी ये वाला बता दो कैसा लग रहा है, पहले राज कचौरी है ये तो अच्छा है, दिखने में बहुत बढ़िया है वाला, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अपन आ चुके हैं वापसी अपनी जगह पे, ठीक है,
और दीदी जी ने इतनी दूर पार्किंग लगवा दी है कि अगर जितना खाया तो पच जाएगा तो फिर खाऊंगा मैं वहाँ जाकर। हाँ दिखाता हूँ। आपने वहाँ क्यों दीदी वो खरीदने का है, ऐसा कैफे नहीं है, केक टाइप चीजें हैं वहाँ पे। कोई ना चलो, पर बहुत सुंदर है यार। ऐसे लग रहा है कोई सोसाइटी में रहते हैं, रात को पार्किंग वो कह रहे हैं। यहाँ आगे पार्किंग, अपन चल रहे हैं वॉक पे। ये दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे है सारा का सारा इस तरीके से। हमारा है कश्यप टू। यहाँ से पैदल चलते रहो चलते रहो। बहुत बड़ा होगा दी एरिया है ना, ये सारा एरिया नहीं कहे अभी, भले इधर तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से पैदल चलते हैं, नंगे पैर ना सुबह सुबह चलते हैं ओस पे। अभी चलने का कोई टूट गई है टूट अभी गई। कोई लॉजिक है नहीं वैसे, ये अच्छी फ्लोरिंग है। हाँ ये भी है। मैं तो खाना मिला नहीं था नीरज को, पर लकीली अभी खाना है क्योंकि हम टाइम से पहुँच गए। मेहरबानी की वजह से हमें आज फिर से पनीर नहीं मिला जो आज की मेन डिश थी, पर दोपहर से तो अच्छा ही है, मिक्स वेज हलवा रायता दाल चावल। और ये सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए है, मतलब जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आते हैं वो लोग तो सिंपल खाना ही खाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट कराने आए हैं, फैंसी खाना खाने तो ना आए हैं। पे आ गए हूँ यार, तो मैं वो दिखाता हूँ बाहर की सीनरी कैसी है यहाँ पे, है ना, बहुत बढ़िया है। इसके बाद सोएंगे बिकॉज सुबह 4 बजे अपन को उठना है, 5 बजे योगा सेंटर पहुँचना है। ओ भाई साहब कितना मतलब बहुत ही शांत सुंदर और बढ़िया एरिया सारा का सारा। यहाँ पूरा पार्क है, घूम सकते हो जो मर्जी करो, आपके ऊपर है। यहाँ पे भी बाकी फेलो रेजिडेंट्स रह रहे हैं इस टाइम पे, जिस जिसने बुकिंग ली होगी। यहाँ पे तकरीबन 1,00,000 बंदे तक का वो है, जो हॉल दिखाऊंगा कल ये पता चला, बाकी एक बार देख के पता चल जाएगा कि यहाँ है भी है, इतना बड़ा कि नहीं, पर बहुत बढ़िया है। तो ठीक है जी, अब लगते हैं सोने के लिए, कल योगा वगैरह करने जाना है, एंड लेट्स सी कैसा रहता है कल का। बाय बाय, टेक केयर स्वीट ड्रीम्स।